आज मैं कुल्हड़ ढोकली बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1½ कप कुल्हड़ को मैंने ओवरनाइट सो करके रख दिया है। 4 कप आटा, ये मैं 10 मेंबर के लिए बना रही हूँ। 1/4 कप तेल, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 स्पून हींग पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को मसल के डालने से सुगंध अच्छी आती है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़े से करी पत्ते बारीक कटे हुए, धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें एक टाइट डो चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर देंगे। डो को हम अच्छे से मथेंगे। डो बनके तैयार है। डो हमें ऐसा टाइट ही चाहिए। डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, डो को मत लेंगे। थोड़ा सा डो लेके उसका एक रोल बना देंगे। और छोटे छोटे पीस कर देंगे। पूरे डो के हम छोटे छोटे पीस कर देंगे। एक पीस लेके गोल गोल घुमाना है और अंगूठी की मदद से इसे 2 बार प्रेस करके एक ढोकली बना देंगे। ऐसे ही सारी ढोकली बना के तैयार कर देंगे। सारी ढोकलियाँ बन के तैयार हैं। मैंने एक पतीला लिया है, 2 लीटर पानी डालेंगे। सोख किए हुए कुल्हड़ इसमें डाल देंगे। पानी में उबाल आने के बाद इसमें ढोकली डालेंगे। सारी ढोकली इसमें डाल देंगे। इसे पकने में 1 घंटा लगेगा। ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखना है। तड़के की तैयारी करते हैं। 4 टेबलस्पून घी, 1 छोटा स्पून राई, 1 छोटा स्पून जीरा, 1/4 स्पून हींग पाउडर, 10 से 12 करी लीफ, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसालों को भून लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल के एक उबाल आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी ये गाढ़ी हो गई है, इसमें गर्म पानी डालेंगे। यदि आप कुल्हड़ को कुकर में पका रहे तो आपको 8 से 9 विसल लेनी पड़ेगी। ढोकली पक गई है, अभी हम इसमें तड़का डालेंगे। लेमन आप अभी भी डाल सकते हैं और खाने के समय भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कुल्हड़ ढोकली बनने में 1 घंटा लगा है। ढोकली को सर्व करेंगे। कुल्हड़ ढोकली के साथ लहसुन की चटनी और अचार खाने में मज़ा आता है। इसके ऊपर घी डालेंगे। कुल्हड़ ढोकली की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।